आज छठ पूजा का त्योहार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर फेस 11 स्थित बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जहां छठ मैया की पूजा की, वहीं साथ साथ श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर पूर्वांचल सभा के सदस्यों द्वारा ये त्योहार मनाया गया और त्योहार की शुभकामनाएं दी गई और छठ पूजा का महत्व भी बताया गया। आपका चंदा मैम, क्या कहना चाहोगे जो आज का पर्व है छठ पूजा का? ये बहुत महान पर्व है छठ पूजा, सालों से इंतजार रहता है हमारे लिए और बहुत ही तैयारी से हम लोग ये छठ पूजा करते हैं। बहुत धूमधाम से पूरी फैमिली इकट्ठा होते हैं, जहाँ भी कोई फैमिली हमारी रहती है सब लोग यहीं आ जाते हैं, सब इकट्ठे ही ये पर्व करते हैं। हमारी देवरानी है, ये डेरावासी से आए हैं, पूरे चार दिन का त्योहार होता है। क्या नाम है आपको? अमृता। ये क्या व्रत के महीने का? ये चार दिन का त्योहार होता है, चार दिनों का संकल्प होता है और बहुत ही पवित्रता से होता है। तीन दिन तो निर्जला व्रत होता है इसमें, और इसका मतलब पानी भी नहीं पीते? पानी भी नहीं पीते। और आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, कल की सुबह उठते हुए सूर्य को अर्घ दे के फिर व्रत खोलेंगे। और इसमें जो भी प्रसाद बनाए जाते हैं कुछ बाहर से नहीं आता, सब हमारे अपने बनाए होते हैं। जो भी फल फ्रूट आप देखेंगे यहाँ पे, कुछ भी बिल्कुल जो पहली बार ही देख रहे हो आप, ऐसे भी ये खुद उगाए हुए फल नहीं, खुद उगाए हुए नहीं है, लेकिन ये सारी प्रकृति खरीदी हुई है। लेकिन ये कई ऐसे फल है जो सालों भर देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल अलग से आप संभाल के रखते हैं इस दिन के लिए? नहीं, ये आज के लिए खरीदते हैं, आज के लिए, छठ के लिए। तो इसमें क्या सिर्फ महिलाएं रखती हैं कि पुरुष भी रखते हैं? पुरुष भी रख सकते हैं, पुरुष भी रखते हैं। तो क्या कोई उम्र का भी कुछ होता है कि इससे कर? नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें महीने कहते हैं कि लोग कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं लोग, इसमें डूबते हुए भी आप पूजा कर रहे हो, क्या मायने? पहले हम डूबते का ही करते हैं, सारी दुनिया। क्या मायने क्या होते हैं इसका? मायने ये है कि कोई मुश्किल में डूबते का क्या मतलब, कोई मतलब मुश्किल परिस्थिति में है, लेकिन यहाँ नहीं। हमारे बिहार का कल्चर बहुत ही ऊंचा है, तो वहाँ तो मतलब हर नीचे वाले को भी ऊपर उठाया जाता है। डूबते सूर्य का भी, सूर्य तो ऊर्जा का प्रतीक है, डूबते सूर्य की भी पूजा। तो कल्चर की बात करें, ये बिहार से स्टार्ट हुआ पर है तो ये सनातन के साथ ही जुड़ा हुआ, सनातन के साथ ही जुड़ा है। तो भी सारे हिंदुस्तान का हो गया, ये तो पूरे हिंदुस्तान का है, अब तो पूरे हिंदुस्तान का, अब तो विदेशों का भी हो गया। क्या नाम आपका? निशा। क्या मैम कहना चाहोगे आज के बारे में? छठ जो है यूपी बिहार, यू नो ऑल ओवर इंडिया, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए अमेरिका, तो मतलब एवरीवेयर स्प्रेड हो चुका है और ये मतलब बहुत ही फेमस फेस्टिवल होता है हम लोगों का। इसमें 3 डेज का फास्ट होता है विदाउट वाटर एंड छठ माता की पूजा होती है इसमें, एंड मॉर्निंग में फिर सूर्य देव को अर्घ देते हैं। बेसिकली ये जो फास्ट होता है ये अपने जो मदर्स होते हैं वो अपने सन की लंबी उम्र के लिए, उनकी सलामती के लिए रखते हैं। सो ये बहुत ही हार्ड व्रत होता है क्योंकि 3 डेज का होता है, यू नो दैट, है ना। तो बड़ी ही श्रद्धा से इसे रखना पड़ता है और आप देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग भी इस फास्ट को अभी बेसिकली स्टार्ट करने लगे, रखने लगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर आप निष्ठा से, श्रद्धा से छठ माता को प्रेयर करते हो कि हमारी ये मुराद है, तो डेफिनेटली आपकी मुराद पूरी होती है, बस आपको श्रद्धा होनी चाहिए। मैम जैसे 3 दिन का आप जो कह रहे हो, जरूरी है कि 3 दिन के रखने? नहीं, कोई कम भी रखते हैं? नहीं, एक्चुअली ये डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग इसे 2 डेज के लिए रखते हैं, जो 3 डेज का है उसमें क्या होता है, उसमें खाना होता है जिसमें कि विदाउट गार्लिक एंड ऑनियन होता है। हाँ। तो मैम जैसे आपने बोला है कि ये बिहार का कल्चर है, पर एक तरह से कह सकते हैं कि सनातन को बिहार ने बचा के रखा हुआ आज के दिन? डेफिनेटली इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, सनातन को बचा के ही रखा है, क्योंकि ये ऐसा कल्चर है जो एक दूसरे को जोड़ता है, ठीक है। और ये ऐसा कल्चर है कि मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, एवरीवेयर कहीं पे भी, इफ यू आर सीइंग यूएसए तो वहाँ पे भी स्प्रेड है, वहाँ भी लोग बहुत धूमधाम से, क्योंकि देखो हम अपने ट्रेडिशन को नहीं भूल सकते है ना, चाहे हम जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए बट जो हमारा कल्चर है उसे तो हमें फॉलो। और इसमें देखिए बच्चों का बहुत योगदान है, बच्चे बिल्कुल साथ निभा रहे हैं, बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही हमने अपने पेरेंट्स को ऐसा करते हुए देखा है। जैसे अभी मैं प्रसाद बना के आ रही हूँ, है ना, तो प्रसाद जैसे ठेकुआ होता है, जो भी मीठा स्वीट बनता है, तो प्रसाद स्टार्टिंग से ही हम बनाते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए सब इंटरेस्ट लेते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है और बड़ा प्राउड होता है कि हम यूपी एंड बिहार से आते हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? राम प्रवेश सिंह। सर क्या कहना चाहोगे आज के व्रत के बारे में? हमारे लिए बहुत महान व्रत है और लोग बहुत आस्था से
सारे लोग मनाते हैं। आपने रखा नहीं? हम या तो लेडीज और जेंट्स जो कर पाते हैं वो कर पाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड है, हमारे से नहीं हो पाएगा, नहीं हुआ। थैंक यू।